दोस्तों वैसे तो क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करते ही होंगे और अदरवाइज़ कोई और ब्राउज़र यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ या कुछ भी आइटम जो आप ऑनलाइन से डाउनलोड करते हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कहाँ वो आपको फ़ोटोज़ वगैरह मिलेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप कई बार कई सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें फ़ोटो गैलरी वीडियो मैप एक्सप्लोरर कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढते रहते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की सेटिंग आपको अगर आप करनी है कि वो सारी चीज़ें एक जगह पर जाकर आप कहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये स्पेसिफिकली मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंतर्गत, और उसकी कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और वो भी ध्यान से देखना जिससे आपके कोई भी सेटिंग छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल सीखिए। तो चलिए टेक्निकल सीखिए। सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेता हूँ और क्रोम ब्राउज़र में खोलने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाउनलोड्स कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, SD कार्ड में होने चाहिए या फिर इंटरनल मेमोरी में होने चाहिए, और ये सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं, कहाँ मिलेंगे, सब कुछ जानने को मिलेगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंतर्गत। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ये मैंने अभी डार्क मोड में लगा रखा है। अगर आपने ये डार्क मोड वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए, मैं आपको हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे सिंपली ऑप्शन सा मिल जाएगा डाउनलोड्स का, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि ये जो जो मैंने फोटोज़ वीडियोज़ या जो भी वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं वो मेरे सारे यहाँ डाउनलोड्स में एक जगह पर दिखा देगा। मुझे इसके लिए अलग से एल्बम फोटो वीडियो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं। मान लीजिए अभी मैंने ऑल पर सेलेक्ट कर रखा तो सारे फोटो वीडियो सब एक जगह पर एक बार में दिखा रहा। अब अगर मैं इमेज पर क्लिक कर दूंगा तो जो भी सिर्फ इमेज होंगी वो दिखाई देंगी, अगर कोई वीडियो वगैरह होगा वो इसमें दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आसानी से मैं इमेज फोटो वीडियो या फिर अदर जो भी होंगे उन्हें अलग अलग एक तरफ से कर पाऊंगा और देख पाऊंगा। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल सी बात। अब अगर मान लीजिए मैं जो भी डाउनलोड करता हूं उसको मुझे सेटिंग उसकी चेंज करनी है, तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन दिया गया है। इसमें क्या क्या सेटिंग मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं जो डाउनलोड करता हूँ उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता वो मेरा जो भी मैं डाउनलोड करूँ बाय डिफॉल्ट मेरे इंटरनल मेमोरी में जाए, तो मैं क्या करूँगा इसमें आके सिंपली SD कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद इसको डन कर दूँगा। उसके बाद अब मैं जो भी फाइल फोटो वीडियो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जो भी डाउनलोड करूँगा वो सिंपली जाके मेरे SD कार्ड में एक फोल्डर बना मिलेगा डाउनलोड्स का, उसके अंदर जाके वो सेफ हो जाएगा, ना कि इंटरनल मेमोरी में, क्योंकि इंटरनल मेमोरी में अगर डाउनलोड होता है तो हमारी रैम भर जाती है जिससे हमारा फोन थोड़ा स्लो प्रोसेस करने लगता है। तो ये सेटिंग जरूर चेंज कर लेना। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है आस्क वेयर टू सेव फाइल, इसमें ऑन ऑफ करके इसको जरूर ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आप ऑन कर दीजिए जिससे कि आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करें तो ये उससे पहले आपसे पूछेगा कि ये जो फाइल है ये जो डाउनलोड हो रही है इसको कहाँ डाउनलोड किया जाए। तो इस तरह से आप अपनी इसमें लोकेशन जो भी है वो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको जाके SD कार्ड में किसी और दूसरे फोल्डर में सेलेक्ट करना है, तो आप जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी फाइल वहीं जाके सेव होगी। हर बार हर फाइल के लिए आपसे पूछेगा। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ये जहाँ पे आपने जो ऑटो में सेलेक्ट कर रखी है SD कार्ड के अंतर्गत डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके ये अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है, एक और इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको लास्ट में कि डाउनलोड आर्टिकल फॉर यू ऑन वाईफाई। जब भी आप कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो कब डाउनलोड हो, मान लीजिए कोई बड़ी फाइल है आपने वो उसे डाउनलोड पे लगा दी और आपका जो डाटा है वो आपका 1 GB आता है, फाइल है आपकी 1.2 GB की, तो जब तक कि आपका फ़ोन वाईफाई पे कनेक्ट नहीं होगा वो डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होगी, जिससे आपको डेली बेसिस का जो डाटा है वो आपका सेफ रहे। और अगर आप वाईफाई पे यूज़ करते हैं तो जब भी ऑटो में वाईफाई पे कनेक्ट होगा तो वो वाला जो भी आपने डाउनलोडिंग पर लगा रखा है ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की ये कुछ छोटी सी सेटिंग्स थी, 2-3 उनके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये बताया कि डाउनलोड्स वाली कैसे सेटिंग्स को आप इधर से उधर कर सकते हैं और कैसे उस तरह से उनकी लोकेशन सही तरह से निर्धारित कर सकते हैं और कहाँ पर ये सारे आपको आइटम मिल जाएंगे। ठीक है, आपको किस तरह से कहाँ कैसे सेटिंग करनी वो मैंने आपको सारी बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है राज, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं इसी चैनल पर टेक्निकल सीखे में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। गाइस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यार इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।